घर का एंट्रेंस बेसिकली होता क्या है, जहाँ से मैक्सिमम लाइट या फिर मैक्सिमम एयर दोनों में से एक चीज आती है। जैसे कि पहले के समय में जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था उस समय क्या था कि दरवाजों में एयर टाइट लेते हैं, आज के समय में दरवाजे एयर टाइट होते हैं क्योंकि खुलते नहीं है, और जहां से ज्यादा लाइट का सोर्स आ रहा है वो एंट्रेंस की तरह एनर्जी क्रिएट होती है। हर आदमी की जरूरत अलग है, घर में पांच लोग हैं, पांचों की कोई ना कोई प्लैनेट डिप्लीट होता है, कमजोर होता है या लकी होता है। लकी प्लैनेट या कमजोर प्लैनेट के बेसिस के ऊपर एंट्रेंस डिसाइड होती है, इसमें कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वास्तु प्रोफेशनल आपकी कुंडली नहीं मांगता है, आपकी फैमिली के मेंबर की कुंडली नहीं मांगता है, तो वो सही एंट्रेंस नहीं निकाल पाएगा। सही एंट्रेंस निकलने के बाद आप वहाँ पे डोर अपना चौखट लगा के मार्क कर सकते हैं, और अगर सही एंट्रेंस नहीं है तो अरोमा वास्तु के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वर्चुअल डोर क्रिएशन है कि आपका एग्जिस्टिंग गेट कहीं और है लेकिन वर्चुअल डोर क्रिएट करके एक्स्ट्रा एनर्जी पुट इन करके वो चीजें आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं।